नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हेल्पलाइन डेस्क का इफ्तिता अमल में लाया है। अगर किसी की तदफीन के लिए कोई कब्रस्तान में जगह नहीं दी जा रही है तो आप इस फोन पर कॉल कर सकते हैं, यहां से आपको मदद मिलेगी। अब हमने तो ये देखा है, ऐसा कई बार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कहे, लेकिन कब्रस्तान में खबरों के जो माफिया हैं वो तो बराबर गरीब लोगों से 50,000, 20,000, 10,000, 1,00,000, 1.5 लाख रकम खबर देने के लिए लेते हैं। अब देखना यह है कि ये खबरों के माफिया पर किस हद तक सलीम साहब कार्रवाई करते हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। ये डेड बॉडीज के लिए जारी किया गया नंबर है, मगर इसके ऊपर अगर दूसरे मसाइल जैसा वक्फ बोर्ड के अगर आते हैं तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? कौन से मसाइल? लैंड खुशी है ये नंबर, ये सब के लिए नहीं है। इमरजेंसी अगर कोई जगह नहीं दे रहे तो उसके लिए है, दूसरे चीज़ों के लिए तो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को आ सकते, डेली वक्फ बोर्ड खुला रहता सिर्फ इतवार को छोड़ के। ये सिर्फ डेड बॉडी रखी हुई है, कोई जगह नहीं दे रहे तो उसके लिए है, डेड बॉडी के लिए इमीडिएट जगह देना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा। इसमें कहीं भी रहो, तेलंगाना स्टेट में कोई गांव में भी रहने दो, बराबर जगह देना है। यानी ये वो गांव को ले आओ, ये गांव को नहीं, इमीडिएट जगह देना है। आपके लिए जगह नहीं रही तो मजबूरी है, पूरा कंप्लीट है, एक इंच भी जगह नहीं है दफनाने की, नहीं है तो वो एक अलग चीज़ है। आप रख ले के जो है ना नहीं दे रहे बोले तो बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। जिस टाइम परसों जो वाकया हुआ था, जगह नहीं दिए बोल के जो कंप्लेंट आया था, मतलब जो वो भी हमको व्हाट्सअप के थ्रू आया, कोई जिसके ने मैयत थी वो लोग भी आज तक भी नहीं करे ना हमारे को फ़ोन करे कभी। तो जो भी कंप्लेंट था, जैसा भी हमको इंफॉर्मेशन मिली, हम उस पर सीरियस एक्शन लेके और भी लोग हमको कंप्लेंट करे दूसरे तरफ से भी कि जगह नहीं दे रहे, ऐसा पैसे पूछ रहे, कोई 50,000 पूछ रहा, कोई 1,00,000 पूछ रहा, कोई 2,00,000 पूछ रहा, कोई 10,000 पूछ रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। बोल के हम लोग सीओ साहब, हम लोग बिल्कुल सीरियसली है वक्फ बोर्ड में लेकर जो है ना, क्योंकि वक्फ एक्ट के थ्रू जो है कब्रस्तान, मस्जिद और दरगाह ये सब सेंट्रल एक्ट है। ये अगर सेल्फ स्टाइल कमेटी भी है तो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड यूज़र में आता। अगर मैं जगह जाती खरीद के भी कब्रस्तान बनाया तो ऑटोमेटिक कब्रस्तान हो जाता हो। कब्रस्तान ग्रेवयार्ड का मतलब ये है कि कब्रस्तान किसी का नहीं होता, कब्रस्तान लफ्ज़े कोई भी दफना सकते हैं वहाँ पर, तो उसके ऊपर रोक टोक नहीं रहना। बल्कि हम लोग अब एक हेल्प डेस्क बनाए हम लोग के, ये देखे आप लोग, मुस्लिम डेड बॉडीज हेल्प नंबर, ये नंबर भी दे दिए हम लोग। और यहाँ पर जो है ना बोर्ड जो ऑफिस है वो सुबह क्या टाइम 24 घंटे का रखे हम लोग, छुट्टी के छुट्टी के दिन भी, इतवार के दिन भी काम करेंगे। इसमें 8 जनों को अपॉइंट करें, जिसका नाम है अब्दुल रहीम और एस ए मजीद और अब्दुल रजाक, और अपॉइंट करें ये 8 आदमी, कभी कोई छुट्टी भी ले। मोहम्मद या शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद। मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मद या शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मद या शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67, अपोजिट ओरिएंट बैंक, फादरबाग, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज़।